हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट अंशु फाटे की इंजरी, कि भाई उसको ऐसी क्या इंजरी हुई है जिसमें इतना टाइम लग रहा है रिकवर होने में, और क्या ये इंजरी जो है वो करियर एंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी क्लियर दिस आउट, मैं MD का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं MBBS नहीं किया हूँ, मैंने नीट क्लियर नहीं करी है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल मैंने बहुत खोजा बीना करी है इस टॉपिक के बारे में, सो दैट आई कैन पुट अ गुड कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस सब्जेक्ट, बट स्टिल आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। सो लेट मी यू नो, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, भाई उसको हुआ क्या है? उसको हुआ है नी में मेनिस्कल टियर। अब ये मेनिस्कल टियर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बात है कि भाई जब तुम्हारा नी रहता है वो ऐसे आपस में जॉइंट रहता है, अब इन दो जॉइंट्स के बीच में ना एक रबर टाइप की जो है वो एलिमेंट रहती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज तुम जानते ही होगे किसको कहते हैं, बट स्टिल बहुत सिंपल शब्दों में बताऊँ तो एक रबर टाइप का एलिमेंट रहता है दोनों नी के बीच में, जो एक शॉक अब्जॉर्वर के तरीके से काम करता है। अब शॉक अब्जॉर्वर क्या होता है, जब तुम्हारा नी ऐसे आपस में ऊपर नीचे होता है तो सिंस वो दो बोन आपस में कनेक्टेड हैं, उन दो बोन के बीच में एक रबर टाइप का एलिमेंट है जिससे उनका मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा फ्री होता है। अब अंशु फाटे के केस में यह हुआ है कि भाई जब वो गिरा तो उसका पैर जो है वो जमीन में पड़ा और उसका नी आपस में जो है वो रगड़ खाया। अब उसके रगड़ खाने से जो ये बीच का जो रबर टाइप का कॉम्पोनेंट है वो जो है उसमें टियर आ गई है। अब इसके इलाज क्या होते हैं? सबसे पहला इलाज इसका यह है कि भाई आप ऑपरेशन करवाएं और ये जो रबर टाइप का एलिमेंट है इसमें स्टिचेस लगवा लें, जहाँ पे आपको टियर आया है वहाँ पे आप स्टिचेस लगवा लें। तो ये सेम जो है वो सर्जरी अंशु फाटे की हुई थी नवंबर में, और वो रबर टाइप के उसके जो भी एलिमेंट है नी का वहाँ पे स्टिचेस लगा दिए गए थे। बट डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं ये देख करके कि यार ये 18 साल होने के बावजूद इसकी जो रिकवरी है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है और ना के बराबर हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि भाई ये 18 साल का लौंडा है, अभी इसकी बॉडी जो है वो अपने फुल फेस में रहती है जहाँ वो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ों को रिकवर कर जाती है। हमने कई बार सुना ना, मम्मी पापा को बोलते हो यार अभी तुम छोटे हो, तुमको ये चोट आई है ना तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। छोटे बच्चों का जो हड्डी भी टूटता है वो जल्दी समय में जो है वो रिकवर हो जाता है। सेम अंशु फाटे के साथ केस था, बट स्टिल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं इस चीज़ को देखते हुए कि ये जो इसका टियर था उसमें जो हमने स्टिचेस लगाई हैं वो आपस में बैठ नहीं पाया है, वापस से रिकवर नहीं हो पाया है, एक फ्लूइड टाइप का कोई जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो वो फ्लूइड टाइप की चीज़ है वो फॉर्म हुई, और उसके लिए सेकेंड सर्जरी भी जो है वो अंशु फाटे ने करवाई। अब ये सेकेंड सर्जरी में क्या हुआ अब ये किसी को पता नहीं है, बट स्टिल अभी भी जो है वो आराम बिल्कुल भी नहीं है, ये जो अभी भी उसको टियर था वो अभी भी जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है। अब जनरली ये होता है कि जब ऐसी हल्की फुल्की टियर रहती है तो उसमें टाका लगा देते हैं भाई अंदर, लेकिन अगर ज़्यादा टियर होती है और समझ में आता है कि भाई यहाँ टाका लगाने से काम नहीं चलेगा, कितना भी टाका लगा लो कोई समस्या है ही रह जाएगी, तो जितना पार्ट उसका जो है वो टूटा फूटा रहता है उसको ना उन लोग ब्लेड के एक ब्लेड टाइप का कोई एक इंस्ट्रूमेंट रहता है भाई, उससे जो है वो काट देते हैं। अब वो काटने के चलते ये होता है कि ऑफकोर्स अगर भगवान ने तुमको जैसा बना के दिया है तुम उसमें थोड़ा काट पीट कर दोगे तो वो जो मूवमेंट है वो उतनी ज़्यादा फ्लूइड नहीं रह जाती है, और ऐसे चांसेस रहते हैं कि आगे जा करके तुमको और कोई प्रॉब्लम हो नी के रिलेटेड। बट स्टिल अगर आप एक छोटा सा पार्ट काटोगे तो स्टिल वो काम चलाओ टाइप की स्थिति हो जाती है, और एक एथलीट के लाइफ में अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, काम चल जाएगा। बट अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भाई साहब कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्या है मेरे को नहीं पता, जो भी है वो रिकवरी इतनी अच्छी हो नहीं रही है कि आपको ये जो पूरा रबर टाइप का कंपोनेंट है ना जो टूटा हुआ है ये पूरा काटना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे समस्या मेन है कि अगर अब तुम खुद समझ लो यार ये दो बोन आपस में मिले हुए हैं और ये बीच में जो रबर है जो भाई शॉक अब्जॉर्वर के तरीके से काम करता है ये पूरा हटा देंगे तो फिर एक आदमी दौड़ कैसे पाएगा, क्योंकि आदमी दौड़ता है तो भाई आपस में नीज का ऊपर नीचे से कॉन्ट्रैक्ट अपने लगते हैं, अभी जब रबड़ ही नहीं रहेगा तो बोन्स आपस में टकराएंगे, कार्टिलेजस बोन्स के आपस में टकराएंगे और वो पेन कर सकता है। तो ये मेन है, मतलब ये मेन जो है वो टेंशन है अंशु फाटे के करियर को लेकर के, कि अगर इसका ये जो मसल है मेनिसियस मसल वो अगर निकाल देते हैं तो क्या ये आगे जा करके फुटबॉल खेल भी पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने बहुत रिसर्च करा, बहुत रिसर्च किया और मेरे को ये पता चला है कि ये जो मसल निकालने की प्रक्रिया है वो जनरली डॉक्टर्स नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये मसल निकल जाएगा तो वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, ही कैन प्ले फुटबॉल 5-6 साल लगातार, बट उसको नी प्रॉब्लम्स होती ही रहेंगी, क्योंकि तुम जानते हो यार अब मैंने तुमको बताया वो रबड़ी हटा दोगे तो आपस में बोन्स टकराएंगे तो वो दर्द होगा, और इसके चलते अर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा यंग एज में तुमको देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। बट स्टिल जो डॉक्टर है, जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है कुटैट करके, जिससे सबको ही मिलते हैं, वो ये कह रहा है अंशु फाटी को, अगर तू माना मेरी बात और अगर तू सर्जरी करवा लेता है तो फिर भाई तू वापस से खेलने लग जाएगा एक आध दो चार हफ्ते में, ऐसा करके उसने बोला है। अब ये टोटल अंशु फाटी के ऊपर है क्या वो ट्रस्ट करे अपने डॉक्टर को कि ना करे। बट मैंने जहाँ तक देखा है वो ये है कि प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल करके। सो ये बहुत बड़ी इंजरी है जिसको बार्सिलोना ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं बता रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। हो सकता है कि अंदर अंदर सब ठीक हो, ये मीडिया की रिपोर्ट्स ही हैं ऑफ कोर्स, बट एक कॉन्क्रीट जो है वो बार्सिलोना ही के तरफ से कुछ ऑफिशियल आएगा तो हमको पता चलेगा। बट हाँ, सीन ऐसा है कि उसका मिनिशियस मसल जो है वो टूट चुका है, वो टीयर खाया है, उसमें एक बार स्टिचेस लगा करके ठीक करने की कोशिश करी गई, वो स्टिचेस जो है वो वापस वैसे रिकवर हो नहीं पाए जो जनरली हो जाते हैं, और अब उनको काट के भी एक बार शायद देखा गया है जो सही नहीं हुआ, तो अब उसको पूरा हटाने का चल रहा है। अब ये क्या सीन है, अब ये तो बार्सिलोना ही जानेगी, बट अगर काट के निकाल देते हैं तो ऑफकोर्स उसको 5-6 साल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर एक छोटा पार्ट निकालेंगे तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और अगर वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, तो फिर इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। सो अब कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ का ही वेट किया जाए बार्सिलोना की तरफ से, तो हमको पता चलेगा कि भाई निकालना है नहीं निकालना है, काटे हैं या फिर स्टिचेस में ही काम चल रहा है, तो अपन जो है वो एक कॉन्क्रीट जो है वो रिजल्ट में पहुंच सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप सो, जो हमारा ये टैलेंट है भाई, जिसको हम लोग वर्ल्ड फुटबॉल में ये कह रहे हैं कि ये आने वाला टैलेंट है 18 साल का लौंडा, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो यार, ये हमारे बार्सिलोना का वन ऑफ द राइजिंग स्टार है। सो आई होप सो एंड आई प्रे दैट वो बहुत जल्दी जो है वो रिकवर कर जाए भाई। बहुत बड़ी इंजरी है ये, और उसके उम्र के हिसाब से भी बहुत बड़ी इंजरी है, क्योंकि वो रिकवर ही नहीं हो पा रहा है यार। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट ऑफ कोर्स डॉक्टर्स ही अच्छे से जानेंगे कि भाई सीन क्या है, तो मैं कौन होता हूँ ज़्यादा बोलने वाला है। तो मेन इंजरी यही है, अब देखते हैं क्या होता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आशीष के सनी और बाबा, टेक केयर, पीस, विस्कर्स बारसा, जय हिंद, टेक केयर, बी पॉजिटिव, लिव फुटबॉल, ब्रीथ फुटबॉल। मैं बहुत क्रिंज साउंड करता हूँ आखिरी में, तो सॉरी।